हेलो मशरूम ग्रोवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं अपूर्व कुमार सिंह, पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मशरूम कल्टीवेशन हमारी हॉबी और बिजनेस दोनों है, साइड बिजनेस। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से नए ग्रोवर्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। भारत में लाभदायक मशरूम व्यवसाय के लिए 10 बातें जो आपको जानना आवश्यक है। जब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे तो हम मशरूम के क्षेत्र में बिल्कुल नए थे और उनकी खेती के बारे में शायद ही कुछ जानते थे। यदि आप हमारे बारे में अधिक जानना चाहते हैं और हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल के वीडियो को देखते रहें। भारतीय मशरूम की खेती के क्षेत्र में हमारी यात्रा बहुत आसान नहीं थी और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और रास्ते में बहुत सी दिलचस्प चीज़ें पता चली हैं, जिनके बारे में अगर हमें पहले पता होता तो हमारा बहुत सारा समय, प्रयास और पैसा बच जाता। यह वीडियो कुछ महत्वपूर्ण अंशों और सूचनाओं को साझा करने का हमारा तरीका है जो हमने अपनी यात्रा में हासिल की हैं, ताकि शुरुआती लोगों को हमारे द्वारा की गई सभी परेशानियों से न गुजरना पड़े। उन 10 चीज़ों को जानने से पहले BM ग्रुप पर एक व्यूअर हैं मुकुल शर्मा जी, जिन्होंने एक अच्छी जानकारी पोस्ट की है इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह अच्छी जानकारी है और हमें उनके द्वारा प्राप्त हुई है। तो इसमें ओयस्टर मशरूम की तरह तरह की वेराइटियाँ हैं और उनका फ्रूटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा चार्ट है जो आपके सामने आ रहा है। तो मुकुल जी, धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। ये रहा आपके सामने वो चार्ट। ये रही वो 10 चीज़ें जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें से पहली चीज़ है वातावरण के अनुरूप मशरूम का चुनाव। अपना मशरूम अच्छे से चुनें जो आपके वातावरण में आसानी से उगे। प्रत्येक मशरूम अपने फायदे और नुकसान के साथ आता है। कुछ को उगाना आसान होता है और वास्तव में तेजी से बढ़ता है। अन्य से आपको बहुत अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन उन्हें उगाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है। आपको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होंगे जो आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त मशरूम ढूंढने में आपकी सहायता करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं इस व्यवसाय में कितना समय और पैसा निवेश करने को तैयार हूँ? प्रत्येक फसल से पहले मैं कितने समय तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ? कौन से मशरूम मेरे आसपास की जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त हैं? क्या मैं मौसम के अनुसार या पूरे वर्ष मशरूम उगाना चाहता हूँ? क्या मुझे अपने आसपास किफ़ायती तरीके से मशरूम उगाने के लिए आवश्यक कच्चा माल मिल सकता है? मशरूम सिर्फ वही नहीं है जो आप सुपरमार्केट में देखते हैं।
वे खाद्य और पेय उद्योग, न्यूट्रास्यूटिकल्स और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल, खुदरा इत्यादि जैसे विभिन्न उद्योगों में भी सामग्री हैं और विभिन्न रूपों में उपयोग किए जाते हैं। पूरे सूखे मशरूम पाउडर, ताज़ा मशरूम, मशरूम का अर्क आदि। अपना मशरूम चुनते समय आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि इसका उपयोग कहाँ और किन रूपों में किया जा सकता है। अधिकांश प्रशिक्षक और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक अच्छे मशरूम के रूप में आयस्टर मशरूम की सिफारिश करेंगे। वे गलत नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह सही भी नहीं है। हाँ, आयस्टर मशरूम उगाना वास्तव में आसान है और वे हमारी गलतियों को काफ़ी हद तक माफ़ कर देते हैं। यानी कि अगर हम कुछ टेम्परेचर और नमी में उतार चढ़ाव भी कर देते हैं तो आयस्टर मशरूम निकल आते हैं। यदि आप गहराई से सोचें तो आप पाएंगे कि कटाई के बाद उनकी शेल्फ लाइफ 2-3 दिनों की बहुत कम होती है। मामले को ख़राब बनाने के लिए आपको यह भी एहसास होगा कि भारतीयों के बीच उनकी अलोकप्रियता के कारण होटल, रेस्टोरेंट, कैफे क्षेत्र में उनकी मांग बहुत ही कम है। उपरोक्त सभी कारक आयस्टर मशरूम को बड़े पैमाने के खेतों के लिए अच्छा नहीं बनाते हैं। आप बटन मशरूम उगाने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं क्योंकि उनकी मांग अधिक है, लेकिन आप जलवायु नियंत्रित सेटअप के बिना उनकी खेती नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके स्थानीय मौसम की स्थिति उपयुक्त ना हो, क्योंकि उन्हें निकलने के लिए 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए कौन सा मशरूम उगाना है, यह चुनने से पहले कृपया सभी पहलुओं पर विचार करें, केवल रुझानों का अनुसरण न करें। यह समझने में समय लें कि आपके क्षेत्र में किस चीज़ की मांग है और क्या आसानी से उगाया जा सकता है। बटन मशरूम के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, मशरूम किंग्स की प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर बटन मशरूम की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें से आप बटन मशरूम से उगाने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बाजार को समझें। एक बार जब आप चुन लेते हैं कि किस मशरूम की खेती करनी है, तो आपको इसके लिए स्थानीय बाजार का गहराई से अध्ययन करना होगा। आपको पहले से पता लगाना होगा कि कौन से उद्योग और चैनल हैं जो वर्तमान में आपके मशरूम का उपयोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में और किस कीमत पर कर रहे हैं। यदि संभव हो तो उसी व्यवसाय में अन्य लोगों से बात करने का प्रयास करें ताकि उन चुनौतियों को समझ सकें जिनका उन्हें सामना करना पड़ा होगा। सुनिश्चित करें कि आप किस चैनल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसका चयन करते समय परिवहन में आसानी और पैकेजिंग की लागत जैसी चीज़ों को ध्यान में रखें। बाजार को समझने का अर्थ मौजूदा बाजार की समस्याओं को समझना भी है, ताकि आप उनसे निपटने में बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकें। आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार को समझे बिना आप नहीं जान पाएंगे कि खुद को कैसे स्थापित किया जाए या अपने तैयार उत्पाद का विपणन कैसे किया जाए। अपना खुद का बाजार विकसित करें। बाजार का गहन अध्ययन करने के बाद आपके पास अपने सभी तथ्य और आंकड़े तैयार हैं। इस स्तर पर विचार करने योग्य कुछ प्रश्न हैं। आप बाजार के किन क्षेत्रों को वास्तविक रूप से संतुष्ट कर सकते हैं? आप अपने उत्पाद को स्थानीय प्रतिस्पर्धा से अलग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ खुदरा विक्रेताओं को आपसे दैनिक आधार पर एक निश्चित मात्रा देने की आवश्यकता होती है। क्या आपका उत्पादन उन मांगों को पूरा कर सकता है? आपने जो क्षमता तय कर ली है, उसे पूरा करने के लिए आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है?
याद रखें, आप हमेशा छोटी शुरुआत कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने करीबी दोस्तों और परिवार या अपने पड़ोसियों को बेचकर ताज़ा मशरूम बाज़ार की शुरुआत का अनुभव प्राप्त करना, अपना खुद का वफादार ग्राहक आधार बनाना। आप आसपास के रेस्टोरेंट में नमूने भी छोड़ सकते हैं और शेफ से अपने मशरूम को आजमाने के लिए कह सकते हैं। पता लगाएं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है: ताजगी, पैसे का मूल्य, पैकेजिंग, सौंदर्य। और इस प्रक्रिया में सीखें कि अपने ग्राहक को सर्वोत्तम तरीके से कैसे संतुष्ट किया जाए। सबसे आसान रणनीति कुछ ग्राहकों के साथ इस तरह काम करना होगा कि आपके पास अपनी फसल के लिए अग्रिम ऑर्डर हो। आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके पास अपनी उपज के लिए एक तैयार बाजार है, ताकि आप अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम की खेती में लगा सकें, ताकि आपके ग्राहक उन्हें पसंद करें। सही प्रशिक्षण प्राप्त करें। यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ मशरूम गार्डन में जिस कदम को उठाने में हमें कठिनाई हुई है, जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमें मुश्किल से ही कोई पाठ्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मिल पाता था जो अच्छा लगता हो या वैध हो। पाठ्यक्रम या तो बहुत बुनियादी थे और इसमें शामिल प्रक्रियाओं के पीछे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का अभाव था, या यथार्थवादी दिखने के लिए बहुत अधिक का वायदा किया गया था, जैसे खेती पर आजीवन समर्थन और 750 रुपये के शुल्क पर, खेती में तकनीकी प्रगति पर समय पर अपडेट, या 10x15 के कमरे में मशरूम लगाएं और लाखों कमाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अपने अनुभव में हमने पाया कि बहुत से प्रशिक्षक स्वयं पूर्व मशरूम कृषक थे, लेकिन खेती से दूर होकर प्रशिक्षण की ओर चले गए क्योंकि यह अधिक लाभदायक था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा संकेत है। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन हो जिसने या तो सफलतापूर्वक मशरूम की खेती की हो, या किसी सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले किसी प्रतिष्ठित सलाहकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। हम यहाँ मशरूम गार्डन में विभिन्न अनुभव स्तरों और आवश्यकताओं के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। शुरुआती लोगों के लिए हमारे DIY यानी डू इट योर सेल्फ मशरूम उगाने की किट से लेकर विशिष्ट मशरूम के लिए व्यवहारिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने तक, हमारी नवीनतम व्यक्तिगत कार्यशालाओं से अपडेट रहने के लिए हमारी कार्यशाला वर्कशॉप अनुभाग को देखें। स्पान और कच्चे माल के लिए एक विश्वसनीय विक्रेता रखें। एक बार जब आप मशरूम के अपने पहले बैच को उगाने के लिए कुछ बुनियादी प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि खेती के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट कैसे प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको लाभदायक उपज मिले, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट अच्छा और विश्वसनीय स्पान है। अच्छे स्पान के बिना आपका असफल होना निश्चित है। आपके पास दो विकल्प हैं: या तो अपना खुद का स्पान बनाएं जिसमें समय लगता है और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, या इसे किसी विक्रेता से खरीदें जो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। विक्रेताओं की तलाश करते समय सुनिश्चित करें कि आपको वे विक्रेता मिलें जो आपको कम से कम पीढ़ी के स्पान देते हैं, मतलब फर्स्ट या सेकंड जेनरेशन के स्पान देते हैं। इसके लिए हमारा एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल मशरूम किंग्स पर पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और उनके पास एक स्वच्छ और मानकीकृत सेटअप है। भारत में उद्योग में नियमों या मानकों की कमी के कारण उच्च गुणवत्ता वाले स्पान प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जो भुगतान कर रहे हैं वह उस गुणवत्ता का है
जिसका वे वायदा करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इस पान के अलावा सुनिश्चित करें कि आपके पास सब्सट्रेट सामग्री का एक स्थिर स्रोत है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध है और ऐसी कीमत पर उपलब्ध है जो आपके लाभ प्रदाता लक्ष्यों के लिए उपयुक्त है। विभिन्न सब्सट्रेट आपके द्वारा उगाए जाने वाले मशरूम की उपज और गुणवत्ता पर अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं। असफलता के लिए खुद को तैयार करें। प्रशिक्षण के दौरान ऑयस्टर मशरूम का एक ग्रो बैग बनाना आपको उन चुनौतियों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करता है जिनका आपको एक बड़े ऑपरेशन को संभालने के दौरान सामना करना पड़ेगा। अधिकांश लोग शुरुआत में असफल हो जाते हैं जब वे व्यावसायिक स्तर पर मशरूम की खेती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन शामिल होते हैं और पूरी प्रक्रिया को मानकीकृत करना बेहद कठिन होता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप असफलता स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। आपकी रणनीति होनी चाहिए छोटी असफलता और तेजी से असफल, ताकि आप अपनी गलतियों से जल्दी सीख लें और उनके लिए आपको इतना पैसा न खर्च करना पड़े। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर एक कदम का दस्तावेजीकरण करें, यानी कि लिख लें, ताकि आपके पास इस बात का सबूत हो कि क्या काम किया और क्या नहीं। यह आपको अपनी पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और प्रत्येक चरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने की अनुमति देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हर बार अपने परिणामों को पुनः प्रस्तुत कर सकें, अपनी प्रक्रिया और इसमें शामिल चरणों का मानकीकरण करना महत्वपूर्ण है। छोटी शुरुआत करें और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ें। आपके प्रशिक्षक या सलाहकार आपको 100 टन के सेटअप के लिए प्रेरित कर सकते हैं और हो सकता है कि आप ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाएं, लेकिन हमेशा छोटी शुरुआत करें। ऐसी क्षमता से शुरुआत करें जहां आपको विश्वास हो कि आप जो कुछ भी उत्पादित करते हैं उसके लिए आपके पास तैयार बाजार है। एक बार जब आप छोटी या मध्यवर्ती क्षमता पर खेती करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी क्षमता बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास से सही जगहों पर पैसा निवेश कर सकते हैं। याद रखें, मशरूम को उगाने की तुलना में उसे बेचना कठिन हो सकता है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास तैयार बाजार है। छोटी शुरुआत से आप बड़े नुकसान के बिना अपने लेआउट या प्रक्रिया प्रवाह में बदलाव कर सकेंगे। अपने क्षेत्र में कृषकों का एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं। किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह मशरूम की खेती भी कई समस्याओं का शिकार हो सकती है जो आपके टर्नओवर को प्रभावित कर सकती है। मौसम में भारी बदलाव, दूषित स्पान, उपकरण विफलता, श्रमिकों की कमी आदि आपके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि आपके लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपने इलाके में मशरूम की खेती करने वालों का एक नेटवर्क है जो उपकरण की विफलता या संदूषण के कारण नुकसान आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों में आपकी मदद कर सकता है। मशरूम गार्डन में हम यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सफल हों हमारे सभी समुदाय सदस्यों के साथ मिलकर काम करें। मशरूम गार्डन अपने काश्तकारों के नेटवर्क को प्रलेखित खेती तकनीकों, खेती प्रौद्योगिकियों में नई प्रगति और मशरूम खेती पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे विश्वसनीय विक्रेताओं की एक सूची तक पहुंच प्रदान करता है। मशरूम गार्डन के पास उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी पेशेवरों का एक समूह है
जो हमारे ग्राहकों को समस्याओं का निवारण करने और उनकी खेती इकाई से सर्वोत्तम संभव आउटपुट प्राप्त करने में मदद करता है। हम अपने समुदाय के सदस्यों को हमारी अब तक की यात्रा में दिए गए समर्थन के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते, अर्थात हमारे पास उन्हें धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है हमारे मशरूम गार्डन के लिए। राजस्व की अन्य धाराओं के बारे में सोचें। ताज़ा मशरूम की खेती करने और बेचने के अलावा यह अप्रत्यक्ष राजस्व के अन्य स्रोत भी प्राप्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए सूखे मशरूम का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और एक सूची बनाए रखना, अपने मशरूम से अचार, सूप पाउडर, कुकीज़ आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाना, ये आय के अतिरिक्त स्रोत यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने बाजार को व्यवधानों और आपके नियंत्रण से परे अन्य प्रभावों से बचा सकते हैं। इस काल्पनिक स्थिति में कि आपके इलाके में ताज़े मशरूम की कीमत या मांग कम हो जाती है, अब आपके पास उन्हें सुखाकर अपने मूल्यवर्धित उत्पादों में उपयोग करने का विकल्प है। चूँकि भारत अभी भी महामारी और आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, इसलिए अपने व्यवसाय को राजस्व की कई धाराओं में विविधता देना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि आप अपने व्यवसाय को बाहरी चुनौतियों से सुरक्षित रख सकें। सीखते रहें और अपना ज्ञान साझा करें। मशरूम की खेती एक बिल्कुल नया क्षेत्र है और इसमें दैनिक आधार पर बहुत सारी तकनीकी प्रगति की खोज की जा रही है। कवक पालन के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर अपने ज्ञान को नवीनीकरण करते रहना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी खेती इकाई की गुणवत्ता और उत्पादन में लगातार सुधार कर सकें। मशरूम पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे पास जो भी ज्ञान है उसे दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम पूरा समुदाय विकसित हो सके और बाजार को बेहतर सेवा प्रदान कर सके। आज के दिन और युग में सबसे सफल कंपनियां अपनी अधिकांश जानकारी का खुला स्रोत रखती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि बड़े व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र पर सही ज्ञान साझा करने का क्या महत्व हो सकता है। अपने आप को नवीनीकृत रखने और बदलते समय और संसाधनों का निवेश करने से लंबे समय में बहुत बड़ा लाभ होता है। हम यहाँ मशरूम गार्डन में इस दर्शन के अनुसार जीते हैं। एक मोमबत्ती की लौ से 1,000 मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। तो आगे बढ़ें और ज्ञान के बीजाणुओं को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि परिस्थितियां सही होने पर उनमें से कम कुछ फल मिल सकें। धन्यवाद। तो आज आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि कौन सी बहुत ही ज़रूरी 10 चीज़ें हैं जिन्हें हमें मशरूम कल्टीवेशन करने से पहले अवश्य जानना चाहिए। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे वीडियोस पर व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन लाइक शेयर बहुत कम हो रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब बहुत ही कम हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।